सो हे गाइस, दिस जीतू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल 5 मिनट ट्रिक्स। सो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी फ़ोटो को, चाहे आपका फ़ोटो MB में हो, जैसे कि आप अभी हाई कैमराज आ गए हैं, यानी कि बहुत बड़े बड़े मेगा पिक्सल्स में, जो कि आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हो तो 3 से 4 MB तक की फ़ोटो उसमें आती है। और जैसे कि आपको कभी कभी कोई गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरना है, या फिर आपको कोई भी फॉर्म भरना है, या फिर आपको रिसाइज फ़ोटो की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको KB में ज़रूरत होती है, यानी कि MB में जो फ़ोटो है आपका उसको KB में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए आपको बहुत दिक्कत होती है कि KB में कैसे उसको कन्वर्ट करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसे एप्लीकेशन से आप अपने फ़ोटो को रिसाइज भी कर सकते हैं और फ़ोटो की क्वालिटी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि फ़ोटो की जो साइज़ है वो छोटी हो जाएगी और क्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। सो दोस्तों, उस फ़ोटो का नाम, सॉरी, एप्लीकेशन का नाम है फ़ोटो रिसाइज, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है? इंस्टॉल आपको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है, एंड प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है फ़ोटो रिसाइजर, ठीक है। इसको लिखने के बाद में आपको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर ये एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, फ़ोटो एंड पिक्चर रिसाइजर, ठीक है। रिसाइज यू भी आपको इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद में सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा यहाँ पर इंस्टॉल है, मैं यहाँ पर ओपन करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इंटरफेस आएंगे, कुछ इसके इंस्ट्रक्शंस आएंगे, उनको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार नेक्स्ट करके दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे इसमें इंस्ट्रक्शन आपको देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपको यहाँ से नीचे डन करना है। पढ़ने के बाद में केयरफुली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर देखिए कुछ ये ऐड वगैरह आते हैं, इनको आप काट दीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन जब चलता है तो इसमें कुछ ऐड वगैरह आते हैं। इसके बाद देखिए परमिशन के लिए पूछेगा, अलाउ करने के लिए फ़ोटो पिक्चर की परमिशन, इसको यहाँ से आप अलाउ कर दीजिए, जितनी भी परमिशन आपसे मांगता है, ठीक है। आप पढ़ लीजिए पहले जब अलाउ करना, अगर आपको कोई गलत लगे तो उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको अपना फोटो रिसाइज करने के लिए, या तो आप यहाँ से आप टेक, जैसे आपको कोई फोटो खींचना है तुरंत एट द टाइम, तो यहाँ पर आप यहाँ से टेक अ पिक्चर कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कैमरा सेलेक्ट करके अपने कैमरे से कोई पिक्चर क्लिक करके उसको रिसाइज करते हैं। तो चलिए मैं, या फिर आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन रहता है कि यहाँ से आप अपनी गैलरी से पिक्चर को सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से आप उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रिसाइज करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है सेलेक्ट फ़ोटो पर, एंड यहाँ से आपको कोई भी अपना एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं एक अपना यहाँ से फ़ोटो उठा लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला फ़ोटो लेता हूँ, एंड इसके बाद देखिए मैं आपको इसका साइज़ दिखाऊँगा। देखिए अभी मेरे इस फ़ोटो का साइज़ है 180 KB, क्योंकि ये मेरे पास WhatsApp से आया हुआ फ़ोटो है, तो इसका साइज़ WhatsApp ऑटोमेटिक रिसाइज कर देता है। एक जैसे कि आपको अगर एक तरीका ये भी है कि आप WhatsApp पर फ़ोटो इमेज जब शेयर करते हैं तो आपकी MB में जो इमेज होती है वो KB में कन्वर्ट हो जाती है, तो ये भी एक तरीका है। या फिर आप अपने ये एप्लीकेशन, ये बेस्ट है आपका, किस पर भेजेंगे आप WhatsApp पे, तो इससे अच्छा है कि आप अपने फ़ोन से ही रिसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ ऊपर देखिए ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला रिसाइज का ऑप्शन है, जिसमें कि 4 एरोज़ हैं, इन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ साइज़ खुल के आएंगे, जैसे कि पहला साइज़ है हमारा 240x320, यानी कि ये 25% का है। इसके बाद ये साइज़ आपका 40% तक आपकी जो इमेज को रिसाइज करेगा, ये 50% और ये 75%। तो आपको जो बेटर लगे, जौन सा साइज़ आपको बेटर लगे, यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 75% आपको लेके दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा जो फ़ोटो था वो थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि इसका साइज़ पहले से ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास 185 KB की पिक्चर है, अब इसको हम थोड़ा और कम करना चाहें, तो जैसे कि हमें 100 KB के अप्रॉक्स में लेके आना, तो हम यहाँ पर 25% वाला सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा 100 KB से भी कम हो गया, यानी कि 71 KB, क्योंकि कोई कोई गवर्नमेंट वेबसाइट ऐसी होती है जिन पर गवर्नमेंट जॉब वाली, उस पर आपको 100 KB तक का फ़ोटो, यानी कि 10 से 100 तक का अपलोड करना होता। तो इस साइज़ से आप अपनी जो फ़ोटो को रिसाइज करके आप अपलोड कर सकते हैं सिंपली। इसके बाद आपको ये फ़ोटो सेव करनी हो गैलरी में, तो नीचे ऑप्शन आता है सेविंग का, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं ओरिजिनल फ़ोटो रिप्लेस करने के लिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके ओरिजिनल पर आ सकते हैं, एंड यहाँ से आप अपना रिसाइज फ़ोटो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमको सेव करना है, सेव पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से हमारा ये फ़ोटो सेव हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमें अगर ये फ़ोटो देखना हो रिसाइज वाला, तो बैक जाना है,
बैक जाने के बाद में दोस्तों हमारे पास यहाँ पर देखिए रिसाइज फ़ोटो की एक फ़ाइल बनी होती है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए मैंने दो रिसाइज किए थे, एक तो किया था मैंने 75 वाला जो कि हमारा 185 में आया था बन के, 185 KB में वो वाला ये रहा, एंड सेकंड किया था हमने 25% वाला तो वो हमारा ये रहा। एंड तीसरा ऑप्शन और होता है दोस्तों इसमें रिसाइज करने का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। तो यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है कोई भी एक फ़ोटो, देन फोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर क्लिक करना है रिसाइज़ पर। रिसाइज़ पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर कस्टम का ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप डाल दीजिए जो भी आपको साइज़ रखना है। जैसे कि मैं डाल देता हूँ 100, एंड दूसरा यहाँ पर आपको यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है, अपना साइज़ डाल देना है, यहाँ से आपको ओके कर देना है कस्टम में, ठीक है। तो ये देखिए अपने आप रिसाइज़ हो जाएगा, यानी कि और बड़ा, यानी कि 100 जब हमने किया तो ये हमारे इसका फ़ोटो का इमेज का साइज़ हो गया अब 2227। इसी हिसाब से आप अपना कस्टम करके, जैसे कि मैं यहाँ 10 करता हूँ, मैंने यहाँ पर 10 किया, ठीक है। अब इसको मैं ओके करके देखता हूँ कितनी KB का बनता है, तो देखिए 14 KB में बन गया, ठीक है। लेकिन फ़ोटो की क्वालिटी 14 KB में आपको भी पता है बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें ऑप्शन रहता है, और इसके बाद एक ऑप्शन और रहता है इसमें कि यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि 60:80, 60:80, ये यहाँ पर देखिए किसी को भी क्लिक करके देखिए फ़ोटो ओरिजिनल क्वालिटी में अच्छा बन जाएगा। देखिए यहाँ से आपकी क्वालिटी भी अच्छी हो गई और फ़ोटो का साइज़ भी बेटर हो गया, ठीक है। तो यानी कि आप ख़राब से ख़राब पिक्चर को भी यहाँ पर एक अच्छी पिक्चर में, बढ़िया पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही सारी ट्रिक थी दोस्तों आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और अपने फ्रेंड्स में इसको जो है सभी में शेयर कर देनी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। एप्लीकेशन को ट्राई करके ज़रूर देखना, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।